झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये सर जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार पर जब मेरी आपसे आखिरी बार बात हुई थी तो आपने यही बताया था कि ग्वार गम को तब सपोर्ट मिलता है जब अमेरिका में कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ना कि जब यूएई और मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। वहीं से आपने ये भी बताया था कि आपका जो व्यू था ग्वार को लेकर वो साइडवेज नेगेटिव ही था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ग्वार गम और ग्वार सीड में अगर एक्चुअली फंडामेंटली देखा जाए तो कीमतें एक्चुअल में क्या रहनी चाहिए थी कि ग्वार गम और ग्वार सीड में सेफली निवेश किया जा सके। अखिलेश जी, पिछले साल तक मैं जबरदस्त तेजी में था। मैंने डेट के साथ भी बताया था कि 15 मार्च 2021 के बाद जबरदस्त तेजी आएगी, और हमने देखा कि 3800 से भाव चला और चल के ऊपर में हमने 6000 के ऊपर भी भाव को सितंबर में ही आते भी देखा था। बट अगर मैं सितंबर की तेजी के बाद अब तक बात करूं, अक्टूबर में मैंने कुछ सेमिनार्स में कहा भी था कि अब ग्वार में इन्वेस्टमेंट करके पैसा नहीं कमाया जा सकता। और आप चेक कर लीजिए कि अगर हम 2-3 अक्टूबर के भाव की बात करें, वो टाइम पे 6100 के करीब ही भाव था। आज अगर अपन अक्टूबर के बाद जनवरी एंड में पहुंच चुके हैं, अगर आप पिछले 4 से 5 महीने में देखेंगे तो मार्केट बार बार में 6400-6500 तक ऊपर जाता जरूर है बट सस्टेन नहीं कर पाता है, नीचे में भी जाता है ये 5600-5700 बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अभी भी मेरा व्यू यही है कि न्यूट्रल रहिए ग्वार में। ग्वार में तेजी खोजने के चलते आप दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, जबकि ग्वार के जो फंडामेंटल्स की बात करें तो मैं अभी भी उसी चीज पे कायम हूँ। लोगों का कहना है कि क्रूड $90 टच हो गया, क्रूड की तेजी की वजह से ग्वार को सपोर्ट मिलना चाहिए। आप उठा के देखिए, आज मॉर्निंग की ही न्यूज है, मैंने फ्लैश भी की है कि लॉस एंजलिस के यूएस के कुछ स्टेट्स के अंदर, नाम मेरे ध्यान में नहीं अभी, कुछ स्टेट्स के अंदर जो भी रिन्यूअल ये रिक्स है उसको बंद करने की बातें हो रही है कि अब यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न है जिसकी वजह से उसको बंद करना चाहिए। दूसरा, आप एक चीज सिंपल समझिए कि यूएस जितनी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, यहाँ पे कैश बहुत रिक्वायर्ड होता है तब जाके इंडस्ट्री चलती है, पनपती है। यूएस गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप के रिजिम में इस चीज को सपोर्ट कर रही थी, बट अब हम जब से डोनाल्ड ट्रंप के रिजिम के बाद अगर हम जो बिदिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करें तो ऑयल एंड गैस ये इंपोर्ट करना पसंद कर रही है। तो हमने देखा यूएस का पिछले 1.5 साल के अंदर कोई भी बड़ा मेजर प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नो डाउट पिछले साल डिमांड थी जिसकी वजह से ग्वार सीड ग्वार गम को सपोर्ट भी मिला। फूड इंडस्ट्री में यूरोप से भी डिमांड थी, बट जिस ढंग से पिछले 2-3 महीनों में ऑर्निकॉन की कंसर्न की वजह से मिडिल यूरोपियन नेशन से भी डिमांड इतनी पिकअप नहीं कर पा रही है। डोमेस्टिक मार्केट में जो इंडस्ट्री के लिए जैसे 200-300 रुपए की तेजी आती है तुरंत ही उनका डिमांड कम हो जाता है। तो मुझे लगता है मार्केट को एक माहौल बनाया जा रहा है कि मार्केट में जबरदस्त तेजी है, लेकिन आप देखिए जो भी इंडस्ट्री में यूज भी हो रहा है 6000 की चीज 12000 हो जाए, यहाँ पे अल्टरनेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों का कहना है कि सर आप तो खुद बोलते हो कि खल के अंदर अल्टरनेट नहीं, तो खल में अल्टरनेट नहीं दिखता है बट ग्वार गम में केमिकल्स है। अगर आप ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे FR जो केमिकल है वो यूज होता है। यहाँ पे भी हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है मेंथा ऑयल का, 800 रुपए से 2500 रुपए का भाव हमने मेंथा में टेस्ट होते हुए देखा, बट जैसे ही केमिकल प्रोपोर्शन मार्केट में सिंथेटिक मेंथा आना चालू हुआ इमीडिएटली प्राइस में क्रैश कर दिया, जो आज भी 1000-1100 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मेरा सलाह है, मे बी मैं कुछ रॉन्ग हो सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ग्वार गम और ग्वार सीड अपने हायर लेवल्स पे ही है, यहाँ से बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से दिन में आपको तेजी मंदी मिलती रहेगी, बट ये लेवल्स पे लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बनाना चाहिए। वेट एंड वॉच रखिए या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लंबा व्यू मुझे नहीं लगता ग्वार सीड ग्वार गम में बना के चलना चाहिए करंट लेवल से। जी, टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।